हेलो गाइज, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं फिल्मी फ्राइडे। दोस्तों, फिल्म एक रीमेक अनेक सेक्शन की अगली वीडियो लेकर आपके सामने फिर से हाजिर हूं। आज की इस वीडियो में हम मलयालम सुपरस्टार मोहनलाल सर की थ्रिलर फिल्म दृश्यम से जुड़े अननोन फैक्ट्स, बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रिकॉर्ड्स और अवार्ड्स के अलावा इस फिल्म के सभी रीमेक वर्जन्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले फिल्म दृश्यम के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों, दृश्यम मलयालम लैंग्वेज में बनी एक थ्रिलर फिल्म थी जो 19 दिसंबर 2013 में रिलीज हुई थी। फिल्म में मोहनलाल, मीना और आशा शरद जैसे कई बड़े एक्टर्स नजर आए थे। फिल्म का डायरेक्शन साउथ फिल्मों के जाने माने डायरेक्टर जीतू जोसेफ ने किया था, साथ ही फिल्म की कहानी भी इन्होंने ही लिखी थी। बता दें, जीतू जोसेफ दृश्यम के अलावा साउथ में कई बड़ी फिल्में बना चुके हैं। ये तमिल लैंग्वेज में कमल हासन के साथ दृश्यम फिल्म का रीमेक पापनासम भी बना चुके हैं। इसके अलावा इन्होंने बॉलीवुड में इमरान हाशमी और ऋषि कपूर के साथ फिल्म द बॉडी भी बनाई थी। इनके अलावा ये कार्ती के साथ फिल्म थम्बी भी बना चुके हैं। इन सब के अलावा जीतू जोसेफ अपनी ही फिल्म दृश्यम का सीक्वल दृश्यम 2 भी बना रहे हैं, जो जनवरी 2021 में रिलीज की जा सकती है। दोस्तों, दृश्यम फिल्म की बात करें तो इस फिल्म को क्रिटिक्स की तरफ से काफी अच्छे रिव्यूज मिले थे। यहां तक कि पॉपुलर वेबसाइट IMDb ने भी इस फिल्म को 8.3 आउट ऑफ 10 की जबरदस्त रेटिंग दी हुई है। इसके अलावा ये फिल्म ऑडियंस को भी बेहद पसंद आई थी। यही वजह रही कि इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड तोड़ दिए थे और इंडस्ट्री हिट साबित हुई थी। इस फिल्म को करीब 5 करोड़ रुपए के लो बजट के साथ बनाया गया था, जबकि फिल्म ने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर करीब 75 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का बिजनेस किया था। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि दृश्यम साल 2013 में रिलीज हुई सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मलयालम फिल्म भी बनी थी। इसके अलावा इस फिल्म ने पिछली सभी मलयालम फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़ दिए थे और ऑल टाइम सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मलयालम फिल्म भी बन गई थी। आपको बता दें, दृश्यम आज भी मलयालम फिल्म इंडस्ट्री की ऑल टाइम चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है। दोस्तों, इंडिया के अलावा इस फिल्म ने विदेशों में भी काफी अच्छी कमाई की थी। इतना ही नहीं, ये फिल्म UAE में सबसे ज्यादा दिनों तक चलने वाली फिल्म भी बन गई थी, जबकि इससे पहले ये रिकॉर्ड हॉलीवुड फिल्म टाइटैनिक के पास था। बता दें, दृश्यम UAE में लगातार 125 दिनों तक चली थी, जिसके बाद इस फिल्म ने टाइटैनिक का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। गैस, टाइटैनिक ने UAE में अपने 110 दिन कंप्लीट किए थे। दोस्तों, बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड तोड़ने के साथ साथ इस फिल्म ने उस साल कई अवार्ड भी जीते थे। फिल्म को उस साल अलग अलग कैटेगरी में 41 नॉमिनेशन मिले थे, जिनमें से इस फिल्म ने 32 अवार्ड अपने नाम किए थे। दोस्तों, दृश्यम फिल्म के डायरेक्टर जीतू जोसेफ ने इस फिल्म की स्क्रिप्ट पहले किसी और डायरेक्टर के लिए लिखी थी, लेकिन डायरेक्टर ने उन्हें फिल्म की स्क्रिप्ट में बदलाव करने को और मोहनलाल की जगह किसी यंग हीरो को लेने के लिए कहा था, लेकिन जीतू जोसेफ को ये आइडिया पसंद नहीं आया और बाद में उन्होंने खुद इस फिल्म को डायरेक्ट करने का प्लान किया था। गैज, इस फिल्म में लीड एक्ट्रेस के लिए सबसे पहले नयनतारा से बात की गई थी, लेकिन बाकी फिल्मों में बिजी होने की वजह से वो ये फिल्म नहीं कर पाई और बाद में ये रोल मीना के पास चला गया। दोस्तों, अक्सर कहा जाता है कि फिल्म देखने के बाद काफी लोगों पर इनका असर देखने को मिलता है और ऐसा अभी तक कई बार देखा भी जा चुका है। कुछ ऐसा ही दृश्यम की रिलीज के बाद भी हुआ था। दरअसल फरवरी 2014 में तमिलनाडु के नीलांबूर इलाके में एक केस सामने आया था, जिसमें दो लोग एक महिला मर्डर केस में पकड़े गए थे। वहां के एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने कहा था कि इन दोनों ने विक्टिम की बॉडी और मोबाइल सिम कार्ड को ठीक वैसे ही डिस्पोज किया था जैसा कि फिल्म दृश्यम में दिखाया गया था। इतना ही नहीं, उन दोनों मुजरिमों ने ये बात खुद भी एग्री की थी। दोस्तों, दृश्यम को हिंदी लैंग्वेज में भी डब किया गया था और हिंदी वर्जन में भी इस फिल्म को ऑडियंस की तरफ से काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। इसके अलावा आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि दृश्यम को अभी तक 6 भाषाओं में रीमेक भी किया जा चुका है। आइए इन सभी रीमेक फिल्मों के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों, दृश्यम फिल्म का पहला रीमेक साल 2014 में कन्नड़ लैंग्वेज में बनाया गया था। ये फिल्म दृश्या नाम से रिलीज की गई थी। इस फिल्म में रविचंद्रन और नव्या नायर लीड रोल में नजर आए थे। बता दें, इस फिल्म का क्लाइमैक्स ओरिजिनल फिल्म से थोड़ा अलग दिखाया गया था। इसके बावजूद ये फिल्म भी ऑडियंस को बेहद पसंद आई और बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही थी। इसके साथ ही ये साल 2014 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली कन्नड़ फिल्मों में भी शामिल हुई थी। इतना ही नहीं, इस फिल्म ने भी उस साल कई अवार्ड अपने नाम किए थे।
गैस कन्नड़ रीमेक के बाद साल 2014 में ही मोहनलाल स्टारर दृश्यम का रीमेक तेलुगु लैंग्वेज में भी बनाया गया था। इस फिल्म में लीड रोल में वेंकटेश नजर आए थे और ये फिल्म दृश्यम नाम से रिलीज की गई थी। मजे की बात यह है कि इस रीमेक में भी ओरिजिनल फिल्म की लीड एक्ट्रेस मीना नजर आई थी और ये उनका तेलुगु डेब्यू भी था। इस फिल्म को भी ऑडियंस की तरफ से काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था और बॉक्स ऑफिस पर भी ये फिल्म सुपरहिट रही थी। इतना ही नहीं, ये फिल्म साल 2014 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्मों में भी शामिल हुई थी। साथ ही ये फिल्म भी उस साल ढेर सारे अवार्ड जीतने में कामयाब रही थी। साल 2015 में तमिल लैंग्वेज में पापनासम नाम से भी दृश्यम फिल्म का रीमेक बनाया गया था। इस फिल्म में तमिल सुपरस्टार कमल हसन और गौतमी लीड रोल में नजर आए थे। इनके अलावा इस फिल्म का डायरेक्शन मोहनलाल स्टारर दृश्यम फिल्म के ओरिजिनल डायरेक्टर जीतू जोसेफ ने ही किया था। ये फिल्म भी ज्यादा ऑडियंस को जुटाने में कामयाब रही थी और बॉक्स ऑफिस पर भी सुपरहिट रही थी। दोस्तों, पापनासम के बाद साल 2015 में ही बॉलीवुड में अजय देवगन, श्रिया शरण और तब्बू को लेकर फिल्म दृश्यम बनाई गई थी, जो मोहनलाल सर की ही फिल्म दृश्यम की ही रीमेक थी। इस फिल्म का डायरेक्शन निशिकांत कामत ने किया था। फिल्म को क्रिटिक्स की तरफ से काफी अच्छे रिव्यूज मिले थे, साथ ही ऑडियंस को भी ये फिल्म काफी पसंद आई थी। इतना ही नहीं, इस फिल्म को अजय देवगन के करियर की सबसे बेहतरीन फिल्मों में भी गिना जाता है। अगर बॉक्स ऑफिस वर्डिक्ट की बात करें तो इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर हिट डिक्लेयर किया गया था। गैस इंडिया में चार रीमेक बनाने के बाद साल 2017 में श्रीलंका में भी दृश्यम फिल्म का रीमेक बनाया गया था। ये फिल्म धर्मायुद्धा नाम से रिलीज की गई थी। बता दें, इस फिल्म का डायरेक्शन चेर रवि ने किया था, लेकिन इस फिल्म की रिलीज से करीब 3 महीने पहले उनका देहांत हो गया था। ये फिल्म भी ऑडियंस को बेहद पसंद आई थी और श्रीलंका के कई सिनेमाघरों में 100 से भी ज्यादा दिनों तक चली थी। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म सुपरहिट रही थी, साथ ही उस साल ढेर सारे अवार्ड जीतने में भी कामयाब रही थी। दोस्तों, श्रीलंका में रीमेक किए जाने के बाद साल 2019 में चाइना में भी मोहनलाल स्टारर दृश्यम का रीमेक बनाया गया था। इसके साथ ही दृश्यम इंडिया की पहली ऐसी फिल्म बन गई थी जिसका रीमेक चाइना में बनाया गया था। चाइना में इस फिल्म को शीप विदाउट ए स्टेपहर्ड नाम से रिलीज किया गया था। आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि चाइना में ये फिल्म आईमैक्स फॉर्मेट में रिलीज की गई थी। चाइना में भी इस फिल्म ने काफी अच्छा बिजनेस किया था और साल 2019 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली टॉप 10 फिल्मों में भी शामिल हुई थी। दोस्तों, दृश्यम फिल्म के सभी वर्जन में से आपको कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा पसंद आई, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही फ्यूचर में ऐसी ही वीडियो देखने के लिए फिल्मी फ्राइडे को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।